एक नए यूट्यूबर है तो इस समय सबसे बड़ा आपका टारगेट होगा कि आपके चैनल पे जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कैसे पूरा हो जाए, और आपने इसके लिए प्रयास भी कर ही लिए होंगे। आप अपने सारे यार दोस्तों को बता दिए होंगे कि हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया है, अपने फैमिली मेंबर को भी रिक्वेस्ट कर लिया होगा कि हमने यूट्यूब चैनल बनाया, अपने मम्मी पापा को भी बोले होंगे, भाई बहन को भी, कजन को भी, और उनसे रिक्वेस्ट किया होगा। अगर उन्होंने आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप उनके मोबाइल लेके उन अपना जो यूट्यूब चैनल है वो अभी तक आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और ऐसे ऐसे करके आप अपने यूट्यूब चैनल पे 100 से लेके 150 सब्सक्राइबर पूरे कर चुके होंगे। अब आपके फैमिली या फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा मोबाइल नहीं बचा होगा जिसपे की आपका चैनल सब्सक्राइब ना हो। तो अब बाकी के जो सब्सक्राइबर है ये आप कैसे पूरा करेंगे, ये आज का हमारा वीडियो टॉपिक होने वाला है। तो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन भी ऑन कर लीजिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो जो है काफी इम्पोर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई बड़ा यूट्यूबर है वो आपके चैनल को प्रमोट कर दे तो आपके जो 1000 सब्सक्राइबर है फटाफट पूरा हो जाए। तो आपको बता दें कि सबसे पहले तो कोई भी बड़ा यूट्यूबर आपके यूट्यूब चैनल को प्रमोट नहीं करेगा। अगर कर भी देता है, आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो भी जाता है उनके रिक्वेस्ट करने से, तो आपका क्या लक्ष्य पूरा होगा? नहीं, आपका लक्ष्य पूरा नहीं होगा। क्योंकि जैसा कि आपको पता होना चाहिए, अगर आप अपने यूट्यूब चैनल से पैसे कमाना चाहते हो तो इसके लिए आपको गूगल एडसेंस जो होता है मोनेटाइज करवाना होता है। उसका जो लक्ष्य है वही होता है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम। 4000 घंटे यानी कि 2,40,000 मिनट, जो कि एक बड़ा लक्ष्य होता है। आपको बता दें कि एक यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना बड़ा लक्ष्य नहीं है। ये आपने अगर टारगेट सेट कर रखा है कि हम अपने चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर ले, तो आप इस टारगेट को हटा दीजिए। YouTube चैनल पे जो सबसे बड़ा लक्ष्य आपका होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप अपने YouTube चैनल पे व्यू कैसे लाए। सब्सक्राइबर मैटर नहीं करता है, और आप अपने किसी दूसरे यूट्यूबर को ये नहीं कह सकते कि आप ये बोल दीजिए कि हमारे वीडियो को देखें। आपके वीडियो को व्यूअर तभी देखेंगे जब आपका वीडियो जो होगा बढ़िया होगा। तो आप YouTube चैनल पे सबसे पहले जो आपको काम करना है, आपको एक बेहतरीन वीडियो बनाना है और एक बेहतरीन वीडियो का कलेक्शन तैयार करना है। जैसे कि आप 5-6 बढ़िया वीडियो बनाइए, उसको डालिए, उसके बाद देखिए आपके YouTube चैनल पे व्यू भी आएंगे, सब्सक्राइबर भी आएंगे। और आपको बता दें कि आप जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। जैसे कि आप लोग जल्दबाजी में अभी नया नया चैनल खोले होंगे और बिना वीडियो को तैयार करते होंगे, बढ़िया से वीडियो बना नहीं है और आप उसको यूट्यूब चैनल पे डाल रहे होंगे, लगातार आप फटाफट डालते जा रहे होंगे और आपका ना तो सब्सक्राइबर बढ़ रहा होगा ना तो उस पर व्यू आ रहा होगा। तो हम भी शुरू शुरू में ऐसे ही किया करते थे, लेकिन आप जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। रुक के एक बढ़िया सा वीडियो बनाइए, चाहे जैसे आपने एक वीडियो आज बनाया और दूसरा वीडियो बनाने में आपको 2 या 3 दिन या 1 हफ्ते भी लग रहा है, तो घबराइए मत। 1 हफ्ते बाद जो आपका जो वीडियो पे जो व्यू आएगा वो काफी ज्यादा होगा। उससे अगर आप 7 दिन के अंदर में 7 वीडियो डालते हैं और 1 हफ्ते में 1 वीडियो डालते हैं जो कि बढ़िया होता है, तो 1 हफ्ते बाद डालने वाला वीडियो आपसे इस पे कई गुना ज्यादा व्यू ला के दे सकता है। तो आप लोग फटाफट वीडियो डालने की भी जल्दबाजी मत कीजिए, एक बढ़िया वीडियो बनाइए। एक सबसे पहले तो आप 5-6 बढ़िया वीडियो बना लीजिए, उसके बाद सब्सक्राइबर लाने का मैं तरीका भी बता देता हूँ। 5-6 बढ़िया वीडियो बना लीजिए किसी भी टॉपिक पे जिसपे आप अपना वीडियो क्रिएट कर। जैसे मान लीजिए कि अगर आप टेक कैटेगरी के वीडियो बना रहे हैं तो 5-6 बढ़िया सा वीडियो, जैसे कि यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर कैसे लाए, यूट्यूब चैनल क्रिएट कैसे करें, ऐसे यूट्यूब से रिलेटेड 10-20 वीडियो तो हो सके अगर तो तैयार कर लीजिए। उसके बाद उसी कैटेगरी के जो बड़ा यूट्यूबर है उनके चैनल पे चले जाइए और वहां पे कमेंट में लिख दीजिए कि मैंने इस यूट्यूब पे मैं भी वीडियो बनाता हूँ, आप लोग मेरे भी वीडियो देखिए। वहां से जो सब्सक्राइबर आपके आएंगे वो रियल सब्सक्राइबर होंगे और वो आपके वीडियो जब देखेंगे कि आपने बनाया है तो आपके काम को जो है वो लोग प्रमोट करेंगे, आपका चैनल भी सब्सक्राइब करके जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि वो बड़ा यूट्यूबर जिनके चैनल पे आपने कमेंट किया वो भी आपके चैनल को देखे, अगर उनको लगता है कि आपने बहुत बढ़िया वीडियो बनाया है तो वो भी आपके चैनल को प्रमोट कर देंगे, आपको रिक्वेस्ट भी नहीं करनी पड़ेगी। तो यही आज का हमारा वीडियो टॉपिक था। तो आप सब्सक्राइबर पे ध्यान मत दीजिए, आप एक बढ़िया वीडियो बनाने पे ध्यान दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।